जमशेदपुर के एक बैंक कर्मी द्वारा महिला को नौकरी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया। मामला कदमा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वैसे ही महिला की शिकायत पर कदमा थाना पुलिस ने आरोपी बैंक कर्मी को बुधवार को पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे थाने से ही छोड़ दिया गया, जिससे नाराज महिला गुरुवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं महिला ने बताया कि बैंक कर्मी द्वारा एसबीआई लाइफ में नौकरी दिलाने के नाम पर उसे एक होटल के कमरे में बुलाया था और विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया गया, साथ ही उसके आवेदन को अस्वीकृत भी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने का दावा कर रही है। वैसे इस संबंध में कदमा थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के आरोपों की जांच की जा रही है, साबित होने पर बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहाँ पे ले जाके जब डुमना का एक हाईवे में होटल है वहाँ पे जब रुके तो हम बोले सर यहाँ तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह या कुछ दिख नहीं रहा, आप कहाँ लेके आ गए मेरे को, सर अंदर में इस रेस्टोरेंट है चलो ना। तो फिर मेरे को अंदर में लेके गए, जैसे ही लेके गए रिसेप्शन में चाबी मांगने लगे रूम का। हम बोले ये सब क्या है सर, रूम का चाबी लेके हम सर हम आपको वहीं पे बोले थे कि हम ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जो मेरे को अच्छा नहीं लगे। अरे कुछ नहीं होगा ना ना करके और रूम खोलने लगे और मेरे को जबरदस्ती रूम में खेलने लगे, रूम में लेने लगे। हम बोले ऐसा मत कीजिए सर प्लीज, हम इज्जत का रोटी खाते, हम नमक रोटी खा के ही रहना चाहते हैं, लेकिन हम कभी इस तरह का लड़की नहीं, हमको प्लीज मेरे को छोड़ दी, नहीं कुछ नहीं होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। हम बोले किसी को पता चले नहीं चले, खुद को पता चलता है ना, मेरे लिए यही काफी है, मेरे को इस तरह से मत कीजिए। फिर वो जैसे मेरे तरफ बोला हम ये करके हम भाग गए नीचे। किस चीज के लिए आपसे पैसा मांग रहे थे? हम एक्चुअली लोन करवाते हैं तो लोन में फाइल में उनको पैसा लेते हैं मेरे से। अच्छा। जैसे लोन का फाइल करते हैं तो हम कहीं का कस्टमर। तो आप क्या चीज का लोन कराते हैं? पर्सनल लोन? पर्सनल लोन वगैरह। आप उसी बैंक में काम करते हैं? नहीं, हम प्राइवेट। हम प्राइवेट से प्राइवेट में एजेंट के तौर पर। अच्छा, तो इस तरह से तो हर पर्सनल लोन में पैसा लेते हैं? हाँ। कितना पैसा लेते हैं? 4,000 से 5,000 रुपए लेते हैं हर पर्सनल लोन में। तो किसी का कितने आदमी का आपके पास लोन का पैसा? सर ऐसे फाइल जैसे फाइल हुई आने के ऊपर हुआ, फिर वो मेरे को नौकरी के नाम पे भी बोले कि हम नौकरी दिला देंगे तुमको एसबीआई लाइफ में या म्यूचुअल फंड में। मेरे पास फोन की है तो हम आए कोई अपना जो इनको साथ घटना हुआ हो बताए, तो हम अभी हम इनको साथ मिले हैं। एसपी साहब बोले इस पर कार्रवाई होगा, कार्रवाई क्यों नहीं होगा और 3 साल का उसको सजा मिलेगा, अब क्या चाहते हैं? सर मेरे पास आई है, इनको साथ जो हुआ है गलत हुआ है सर, यदि प्रशासन साथ नहीं देगा तो महिला कहाँ जाएगी? और फिर क्या नियम है जो गारंटी है जो एक कल से निकलेगी तो इन पर कुछ करवाए वो लोग कुछ भी कर सकता है, यदि चाहे करवा भी सकता है। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसको गिरफ्तारी होगा। हमें सवाल किए सर तो 12 बजे रात के क्यों छोड़ दिया गया? तो बोले कि क्या है कि नियम है जो 12 बजे नहीं छोड़ा जाता है। हम बोले वो तो आप ही लोग नियम बनाए होंगे, जहाँ 12 बजे रात के भी बुला करके पूछताछ करके आप लोग छोड़ते हैं तो हमको मालूम नहीं, मगर इसके साथ जो घटना घटा है उसको गिरफ्तारी होना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सिटी एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एडमिशन ओपन फॉर डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी। आवर कॉन्टेक्ट नंबर 7903300247।